ये है पीरियड नंबर 35। दोस्तों हमने पीरियड नंबर 34 में कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 6। पीरियड नंबर 34 के लिए वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 6, है ना। 6 में हमने पूरा कंप्लीट किया है। 6 में तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे 4 मार्क्स के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पीरियड नंबर 35, इम्पोर्टेंट फॉर 4 मार्क्स। हाँ देख लो दोस्तों क्या है, पीरियड नंबर 35 इम्पोर्टेंट है फॉर 4 मार्क्स के लिए। ये है क्वेश्चन नंबर 7, देख लो क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव द फॉलोइंग हाँ, उसमें ये फर्स्ट वन क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस क्रॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू, ये प्रूफ करना है साइन इनवर्स ऑफ 56/65। देख लो ये क्वेश्चन नंबर है 7th में फर्स्ट क्वेश्चन, इट विल बी फॉर 4 मार्क्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, देख लो क्या है। हाँ क्या है, ये साइन क्रॉस, इधर साइन होना, साइन का फॉर्मूला वाला साइन, ये साइन प्लस क्रॉस यानी साइन क्रॉस क्रॉस साइन। अब इसको मैं देख लो ये क्या है, लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू अल्फा है ना, एंड क्रॉस इनवर्स ऑफ क्या है 12/13 इक्वल टू बीटा है। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू अल्फा, क्रॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू बीटा है। देन साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 एंड क्रॉस बीटा इक्वल टू 12/13 है। यहाँ पर कंपल्सरी याद रखो दोस्तों, ये अल्फा बीटा है ना, 0 लेस देन अल्फा बीटा लेस देन पाई बाय 2 ये है। देख लो ये मालूम होना, ये हमारे लिए मोस्ट आईएमपी कंडीशन, ये अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा कंपल्सरी क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अल्फा बीटा कंपल्सरी है, ये अल्फा बीटा लाई बिटवीन लाई 0 to π यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे लिए। देख लो हाँ, देख ये साइन अल्फा है, यूजिंग साइन यू विल गेट क्रॉस, और एक क्रॉस बीटा, यूजिंग क्रॉस यू विल गेट साइन। क्या है ये, क्रॉस अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - sin² अल्फा, और ये क्रॉस से साइन मिलेगा हमें, साइन बीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - cos² बीटा। देख लो दोस्तों ये साइन क्रॉस है, साइन क्रॉस के लिए हमारे पास फॉर्मूला साइन अल्फा क्रॉस बीटा क्रॉस अल्फा साइन बीटा मालूम है, तो इसके लिए साइन, ये साइन साइन अल्फा है, साइन अल्फा से मैं लूंगा क्रॉस अल्फा, यहाँ पर क्रॉस अल्फा है, क्रॉस अल्फा से लूंगा साइन अल्फा। क्या है ये, अंडर रूट ऑफ 1 - sin² अल्फा, क्या है ये साइन स्क्वेयर अल्फा है, 9/25 ये है 16/25 है, अरे वॉट 4/5 है, साइन अल्फा बी, ये अल्फा साइन अल्फा इक्वल टू क्या है हमारे लिए, देखो ये क्रॉस अल्फा यानी हमारे पास ये है, ये है तुम्हारे लिए ये है ना, साइन अल्फा का वैल्यू है 3/5 यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, फिर क्रॉस अल्फा, क्रॉस अल्फा इक्वल टू 4/5 है, ये क्या होता है, ये अल्फा इक्वल टू क्रॉस इनवर्स ऑफ 4/5 है। हाँ देन ये हाँ देख लो अल्सो क्या है, ये अल्सो साइन बीटा है ना, क्रॉस बीटा के लिए क्रॉस बीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - सॉरी ये साइन बीटा, ये साइन बीटा, साइन बीटा यानी 1 - क्या है क्रॉस स्क्वेयर बीटा, कितना ये 144/169 क्या है ये 169 - 144 169 - 144/169 है
कितना ये 25 कितना था ये 5/13 साइन बीटा है। क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा साइन क्रॉस क्रॉस साइन दोनों ये साइन अल्फा है यूजिंग यहां पर मिला क्रॉस अल्फा ये क्रॉस बीटा है यूजिंग यहां पर मिला हमें साइन बीटा है। देख लो ये दो नंबर ले लो हाँ ये इसको एक नंबर दो हाँ क्या ये साइन अल्फा इंटू क्रॉस बीटा प्लस क्रॉस अल्फा इंटू साइन बीटा है फॉर्मूला हमारा साइन अल्फा प्लस बीटा यानी साइन क्रॉस क्रॉस साइन हाँ क्या है साइन अल्फा के लिए साइन अल्फा के लिए अपने पास देख लो साइन अल्फा यानी 3/5 क्रॉस बीटा क्रॉस बीटा यानी क्या है क्रॉस बीटा के लिए हमारे पास 12/13 प्लस क्रॉस अल्फा यानी है ये 4/5 और साइन बीटा यानी 5/13 है क्या है 65 कितना ये 36 प्लस 20 यानी 56/65 क्या यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन प्लस ऑफ 56/65 है ये साइन को राइट साइड में यानी अल्फा अल्फा यानी क्या है मेरे पास अल्फा यानी व्हाट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ ये क्या है 12/13 इक्वल टू क्या है ये साइन इनवर्स ऑफ 56/65 ये है तुम्हारे लिए लास्ट स्टेप क्वेश्चन विल बी फॉर 4 मार्क्स हाँ ये मिनिमम 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है हाँ दे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आओ हाँ सेवंथ में क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो आप सेवंथ में क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो ये जो पीरियड नंबर 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 4 मार्क्स के लिए पीरियड नंबर 35 में क्वेश्चंस 4 मार्क्स के क्वेश्चन है बहुत यानी बहुत इम्पोर्टेंट है देख लो क्या है ये पीरियड नंबर 35 के लिए ये है आईएमपी क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स इम्पोर्टेंट फॉर 4 मार्क्स इसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 है प्रूव द फॉलोइंग इसमें ये फर्स्ट हमने कंप्लीट किया सेकंड के लिए हम दोस्तों ये क्या है सेकंड नंबर क्रॉस इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस क्रॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू क्रॉस इनवर्स ऑफ 33/65 है ये क्रॉस क्रॉस है क्रॉस के लिए भी हमारे पास क्रॉस क्रॉस साइन साइन दोनों वेरी वेरी ये फॉर्मूला है हमारे पास मालूम नहीं है क्रॉस अल्फा प्लस बीटा यानी व्हाट क्रॉस अल्फा इंटू क्रॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा मालूम नहीं तो फिर हमारे पास ये क्रॉस है यानी यूजिंग क्रॉस यूनिट साइन क्या ये लेट क्रॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल टू अल्फा एंड क्रॉस इनवर्स ऑफ क्या ये 12/13 इक्वल टू बीटा है फिर कंपल्सरी होना ये क्या ये कंपल्सरी यू शुड नो 0 < अल्फा बीटा < 90 ये पूरा साइन क्रॉस क्या कंबाइंड में तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है क्या ये क्रॉस अल्फा इक्वल टू 4/5 एंड क्रॉस बीटा इक्वल टू 12/13 क्या है मेरे पास साइन थीटा यानी अंडर रूट ऑफ 1 - क्या है क्रॉस स्क्वायर थीटा मालूम फॉर्मूला वही नो ये सबके लिए देख लो फॉर्मूला साइन थीटा यानी व्हाट क्या देखो साइन अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - क्रॉस स्क्वायर 1 - क्रॉस स्क्वायर है देख लो थोड़ा समझा क्रॉस अल्फा 1 - क्रॉस स्क्वायर अल्फा 1 - क्या है क्रॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है 4/5 होल स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 1 - 16/25
साइन अल्फा 25 माइनस 69 यानी व्हाट 3/5 क्या है ये क्या मिलता फिर हमें कंपल्सरी याद रखो ये अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 है देन सिमिलरली क्रॉस बीटा के लिए और क्रॉस बीटा है अब साइन बीटा के लिए आओ साइन बीटा यानी 1 माइनस क्या है यार सपोज ऐसा ले सकते हैं 1 माइनस क्रॉस स्क्वायर क्या है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी और 144/169 ये 169 अंडर रूट ऑफ 169 माइनस 144 बाय 169 साइन बीटा इक्वल टू है कितना आ रहा है 25 यानी 5/13 क्या मिलता फिर इससे इम्प्लाइज क्या है ये बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13 ये है फर्स्ट वन ये है सेकंड वन है ना देख लिया सबने क्या है अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 एंड बीटा इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स ऑफ 5/13 अब देख लो फिर ये है अब ये क्रॉस क्रॉस के लिए है ना फॉर्मूला हमारे पास क्रॉस क्रॉस के लिए ये दोनों भी क्रॉस होना और राइट साइड में भी क्रॉस ही होना है ना तो फिर क्या है यार ये देख लो थोड़ा सा क्रॉस अल्फा प्लस बीटा क्रॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्रॉस अल्फा क्रॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा है इक्वल टू क्रॉस अल्फा के लिए मेरे पास क्या है क्रॉस अल्फा के लिए दोनों वेरी वेल 4/5 क्रॉस बीटा के लिए देखो क्रॉस बीटा क्या है हमारे पास ये 12/13 माइनस साइन अल्फा यानी कितना है 3/5 और साइन बीटा यानी व्हाट साइन बीटा कितना ये 5/13 कितना ये 65 यानी व्हाट 48 माइनस 15 इतना ये 33/65 है फिर ये प्लस बीटा इक्वल टू क्रॉस इनवर्स ऑफ 33/65 अल्फा यानी और क्रॉस इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस क्रॉस इनवर्स ऑफ है ना क्रॉस इनवर्स ऑफ क्या है वो 12/13 इक्वल टू क्रॉस इनवर्स ऑफ 33/65 ये भी क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए दोस्तों देखा इट विल बी फॉर 4 मार्क्स ये भी क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए यानी ये क्रॉस है क्रॉस अल्फा यूजिंग यूलेट साइन अल्फा ये क्रॉस अल्फा है ना ये क्रॉस अल्फा से क्या मिलता मुझे ये साइन अल्फा मिला देन ये है क्रॉस बीटा है ना क्रॉस बीटा से क्या मिला ये साइन बीटा मिला क्रॉस साइन के लिए कंपल्सरी हमारे फॉर्मूले क्रॉस अल्फा प्लस बीटा यानी और क्रॉस क्रॉस साइन साइन अब इसके लिए क्या है ये सिंप्लीफिकेशन तुम थोड़ा बहुत कम ज्यादा ले लो देख लो बराबर ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो देख लो हाँ क्या है ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है क्रॉस इनवर्स ऑफ 33/65 अल्फा यानी व्हाट क्रॉस इनवर्स ऑफ 4/5 बीटा यानी व्हाट क्रॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू क्रॉस इनवर्स ऑफ 33/65 ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सेवंथ में सेकंड अब सेवंथ में थर्ड देख लो क्वेश्चन सेवंथ में जो थर्ड क्वेश्चन है वेरी 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 मोस्ट टाइम है सेवंथ में क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो वेरी 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 मोस्ट आईएमपी है हमारे लिए है क्वेश्चन नंबर देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर सेवंथ में थर्ड क्वेश्चन देख लो क्या है थर्ड वन यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टेन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/7
plus tan inverse of 1 by 3 plus tan inverse of 1 by 8 equal to pi. Okay? Most IMT, very most IMT, VIMT question for you. What important question are you going to ask? LHS equal to 1. LHS equal to tan inverse of 1 by 5 plus tan inverse of 1 by 7 plus tan inverse of 1 by 3 plus tan inverse of 1 by 8. Right? Look at this question. Very important. Tan inverse, it's 4 times. ये दोनों को एक साथ लो और बेन ये दोनों को एक साथ लो जो सेम टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई इक्वल क्या है ये टेन इनवर्स ऑफ 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 7 1 माइनस 1 बाय 5 इंटू 1 बाय 7 है प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 8 बाय 1 माइनस 3 इंटू 1 बाय 8 है फिर देख लो उसको कैलकुलेट कर लो क्या है ये अगेन एलएचएस के लिए आओ एलएचएस के लिए आओ ये है क्या ये क्या ये क्रॉस कर सकते हैं ना क्रॉस कर लो कितना था ये 7 प्लस 5 बाय 35 बाय ये 35 है ऊपर क्या था 35 माइनस 1 बाय 35 प्लस tan इनवर्स ऑफ 8 प्लस 3 है 8 प्लस 3 बाय 24 बाय ये 24 है 24 माइनस 1 बाय 24 है ये कैंसल है क्या आता ये tan इनवर्स ऑफ 12 बाय 34 प्लस tan इनवर्स ऑफ कितना ये 11 बाय 23 है ये 6 आता ये 17 आता अगेन फॉर्मूला यूज करो है ना tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y tan inverse of x plus tan inverse of y और ये फार्मूला यूज कर सकते हैं क्या ये और एक बार ये फार्मूला यूज करो ये क्या है LHS इक्वल टू क्या है tan inverse of अगेन 6 by 17 plus 11 by 23 by 1 minus 6 by 17 into 11 by 23 तुम डायरेक्ट सॉल्व करो अभी क्या है ये tan इनवर्स ऑफ क्या था ये क्रॉस करो अब ये डिनोमिनेटर कैंसिल होता है क्रॉस करने के बाद कितना ये 6 3 का 18 है ना 1 12 प्लस 1 13 प्लस अब ये क्रॉस 11 7 का 77 11 1 का 11 और 7 कितना ये 18 है अब ये डिनोमिनेटर छोड़ दो ये कैंसिल होता है ऊपर लो 17 3 का 51 5 34 प्लस 1 39 डिनोमिनेटर ये नीचे से और नीचे से कैंसिल होता क्रॉस करने के बाद माइनस क्या है 66 क्या था फिर यहां पर tan इनवर्स ऑफ यहां पर लेता मैं 5 24 है ना 11 और ये 2 कितना ये 3 y 5 ये 2 ये माइनस करो नीचे से यानी 3 कैंसिल हो रहा tan इनवर्स ऑफ देख लो हम बता रहे हैं ये tan इनवर्स ऑफ कैंसिल यानी 1 tan ऑफ 1 यानी व्हाट pi by 4 है tan इनवर्स ऑफ 1 देख लो क्या है ये इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 यानी pi by 4 लास्ट स्टेप दोस्तों कुछ भी नहीं ये प्रॉब्लम है कि नहीं लास्ट स्टेप में मैं आंसर यहां पर बता रहा हूं देख लो ये ऐसा होना हमारा आंसर ये ऐसा ये एक्सिस ये है तुम्हारे लिए मोस्ट यानी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर यू ये
थर्ड क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट आईएमपी। उसके बाद ये फोर्थ के लिए आओ, इसमें चारों ही क्वेश्चन बहुत गहरे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीरियड में चार क्वेश्चन है, चारों ही क्वेश्चन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है यार यहाँ पर ये क्वेश्चन जो भी है, ये क्वेश्चन आर मोस्ट यानी मोस्ट आईएमपी है। यहाँ पर मैं हमारे लिए फोर्थ वन एट हंड्रेड क्वेश्चन एट टू फोर्थ क्वेश्चन दूंगा, दे रिमेनिंग और क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे हम। टेन मोर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल टू क्या, ये इक्वल टू क्या होना, ये इक्वल टू क्या होना, ये पाई बाय फोर, पाई बाय फोर माइनस वन बाय टू इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। देख लो ये मोस्ट, ये भी मोस्ट यानी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा यानी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पर। अब देख लो यार ये क्या है हमारे पास, एलएचएस, एलएचएस में क्या है, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स। दोस्तों देख लो रूट में, रूट में प्लस और एक्स और माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स रहा ना, कंपल्सरी पुट करना कॉस थीटा, सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं सबके लिए, पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। रूट में प्लस एक्स और माइनस एक्स, वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, कौन सा भी चैप्टर रहने दो, सिंप्लीफिकेशन के लिए डेरिवेटिव इंटीग्रेशन व्हाट एवर मे बी और डिफरेंशियल इक्वेशन ये तुम्हारे लिए कंपल्सरी होना। अब ये थीटा इक्वल क्या है, कॉस को इधर लो, चेंज हो साइड, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स आता है, यानी व्हाट क्या है ये, इक्वल टू क्या है ये, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ क्या है वन माइनस क्या है ये कॉस थीटा। देख लो वन माइनस कॉस थीटा बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस थीटा है ये फार्मूला, यानी कि फार्मूले वन माइनस कॉस थीटा यानी टू इंटू साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू। मैंने बैच शुरू होने से पहले कंटिन्यूटी चैप्टर के लिए लॉकडाउन है ना, बिफोर लॉकडाउन कंटिन्यूटी चैप्टर में तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिया था मैंने, एंड वन प्लस कॉस थीटा टू इंटू क्या है कॉस स्क्वेयर थीटा बाय टू है, हाँ क्या है ये इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वन प्लस कॉस टू इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा बाय टू है प्लस माइनस टू इंटू साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू बाय अंडर रूट ऑफ टू इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा बाय टू प्लस अंडर रूट ऑफ टू इंटू साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू। अब टू तो कैंसिल हो रहा है, टू तो कैंसिल हो रहा, टेन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू, ये कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू, ये बाहर क्या है ना, बाहर क्या है ये दोस्तों टेन इनवर्स है, अंदर तुम्हें टेन होना यानी ये साइन है ना, बाहर टेन है अंदर टेन होना, टेन के लिए साइन बाय क्या होना क्रॉस होना है ना, टेन यानी साइन बाय क्रॉस यानी अंदर डिवाइड करो, टेन इनवर्स ऑफ ये कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू बाय कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू, ये ऊपर नीचे कॉस थीटा बाय टू से डिवाइड करो, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय टू है, कॉस थीटा बाय टू ये क्रॉस कैंस क्या मिल जा रहा है यहां पर, देख लो ये टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस साइन बाय क्रॉस क्या है टेन, वन माइनस प्लस साइन बाय क्रॉस क्या है क्या, अब ये फार्मूला है मेरे पास, क्या है फार्मूला, ये यूजिंग टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई बाय वन प्लस एक्स वाई, ये हम फार्मूला डायरेक्ट ले सकते हैं बराबर नहीं, क्या है फार्मूला इसके लिए इक्वल टू क्या है टेन इनवर्स ऑफ एक्स
माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई है। क्या ये टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई है? हाँ देखो ये अगेन एल एच एस इक्वल टू क्या है, ये एल एच एस इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस टेन इनवर्स ऑफ है। देख लो दोस्तों मैं यहां पर लूंगा, देख लो एल एच एस इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वन है ये वन, ये यहां से गया और यहां से क्या ये माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई टू है वन वन यानी वॉट फाइव बाई फोर माइनस टेन टेन कैंसिल यानी थीटा बाई फाइव थीटा बाई टू। देन यहां पर आओ ये लास्ट स्टेप यहां पर ले दोस्तों, क्या है लास्ट स्टेप यहां पर आपका क्या है हाँ इक्वल एच एस इक्वल टू क्या है ये फाइव बाई फोर माइनस वन बाय टू इंटू थीटा, ये थीटा क्या है थीटा यानी वॉट थीटा है ना हमारे पास क्या है थीटा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स यानी वॉट एल एच एस ये है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस वन में देखोर, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन पूरा है, ये है तुम्हारे लिए प्रूफ, इट विल बी वेरी वेरी मोस्ट हैंडी फॉर यू फॉर फोर मंथ्स। ये है हमारा पीरियड नंबर 35। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इन पीरियड नंबर 36।